विश्वरे बढ़ुची भारतर दबदबा। भारतर सफल विदेश नीति पर निश्चिंत मृत्युरु बर्तिगले आठ भारतीय। कतार रे आठ भारतीय मृत्यु दंडादेश को टाळीदेला भारतर कूटनीति। एबे आठ जन पूर्वतन भारतीय नौसैनिक को मुक्त करिछि कतार। एमानक मध्यरु सात जन सोमवार सकाळे भारत फेरी आसछन्ती। गुइंदागिरी करुथिबा अभियोग रे माने कतार जेल रे आजीवन रो कारदंड भोगुथिले। पूर्वरु एमानकु फासीदंड सुना जाइथिला। तेबे विदेश मंत्रालय सोमवार घटना को नहीं कहिछि भारत सरकार कतार रे गिरफ करा जाइथिबा आठ भारतीय को मुक्ति को स्वागत करुछि। एमानकु स्वदेश प्रत्यावर्तन पई कतार रो निष्पत्ति को प्रशंसा करुछु। तेबे कतार गुइंदा संस्था स्टेट ब्यूरो 30 अगस्त रे आठ पूर्वतन नौसैनिक को गिरफ करिथिला। यहपर अक्टोबर मासरे गुइंदागिरी अभियोग रे समस्त आठ जन को फांसी दंडादेश सुना जाइथिला। हेले भारतर हस्तक्षेप पर गत 28 डिसेंबर रे सेमानक मृत्यु दंडादेश को आजीवन जेल दंड रे परिणत करा जाइथिला। आउ एबे भारतर सफल विदेश नीति बल रे समस्त मुक्त होइछंती। किछि पूर्वतन नौसैनिक भारत प्रत्यावर्तन पर दिल्ली एयरपोर्ट रे कहिछंती भारत सरकार को कारण रु आज मृत्यु मुखर बर्तिछु। जने पूर्वतन नौसैनिक कहिछंती प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप बिना आम पाई भारत फेरिबा संभव होई नथांता। अन्य जने पूर्वतन नौसैनिक कहिछंती आमे 18 मास पर भारत फेरी पारिछु। आमे प्रधानमंत्री मोदी एवं भारत सरकार को प्रयास को धन्यवाद जनाउछु। I mean, let us get into this mode, let this feeling sink in. यहाँ के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। तबे एमाने कतार नौसेना को ट्रेनिंग देउथबा एक घरोई कंपनी दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी रे काम करूथिले। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी रो प्रमुख ओमान एयरफोर्स और रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामसी अल अजमी थिले। तांकु मध्य आठ भारतीय को सह गिरफ करा जाइथिला। हेले नवंबर मास रे तांकु छाडी दिया जाइथिला। तबे कतार एमान को मुक्त करिबा पछरे प्रमुख कारण दुई देश मध्य रे होइथिबा गैस डीलिंग बोली कुआ जाउछि। 6 फेब्रुवारी रे होइथिबा ए चुक्ति आधार रे भारत कतार थारु 2048 पर्यंत लिक्विफाइड नेचुरल गैस किणिबो। तबे मुक्त होइथिबा पूर्वतन नौसेना अधिकारी माने हेले कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुनेन्दु तिवारी, कैप्टन वीरेन्द्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल एवं नाविक रागेश। एमाने समस्ते इस्राएल पई गुइंदागिरी करुथिबा अभियोग रे गिरफ होइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।